बातचीत करने के लिए मौजूद हैं आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता जी। गुप्ता जी, ये बताइए, जिस तरह से लगातार यहाँ पे हंगामा बढ़ता जा रहा है, देश के नहीं बल्कि कई सारे ऐसे रेसलर हैं जो यहाँ पर कई राज्यों के पहुँचे हुए हैं, लगातार विरोध कर रहे हैं, क्या कहेंगे? मेरी मांग है कि तुरंत इनको पदमुक्त कर देना चाहिए और इनके खिलाफ जाँच होनी चाहिए। देश के लिए मेडल लाने वाले खिलाड़ी आज मजबूर है जंतर मंत्र पर आने के लिए। देश की जो रेसलिंग फेडरेशन है उसके ऊपर बीजेपी के सांसद आज बतौर अध्यक्ष बैठे हुए हैं और उनके ऊपर इतने गंभीर आरोप लगे, मैं तो कहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी को, खेल मंत्री जी को अब से पहले एक्शन ले लेना चाहिए। वो यहाँ से चले गए, गोंडा कह रहे हैं कि उन्हें जंतर मंतर निवास पर घुसने नहीं दिया जा रहा है, वो जाँच में भी कह रहे हैं कि पूरी तरीके से सहयोग करेंगे। जंतर मंतर पे किनको नहीं घुसने दिया जा रहा? जंतर मंतर पे मैं आया हूँ, कोई रुकने वाला तो है नहीं। निवास ही पर ही है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि निवास क्या करेगा, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए और सरकार को उनको बर्खास्त कर देना चाहिए अगर इस्तीफा नहीं देता। लगातार कांग्रेस भी आरोप लगा रही है, प्रेस वार्ता भी की है कांग्रेस पार्टी ने, वो भी कह रही है कि जो बीजेपी के सांसद हैं, खेल मंत्री हैं, उन्हें बर्खास्त कर देना चाहिए, उसके बाद जो है आगे की जाँच है वो होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर बजरंग पुनिया का कहना है कि उन्हें विदेश भी नहीं जाने देना चाहिए। अगर एक व्यक्ति के ऊपर इतने गंभीर आरोप लगे, यौन शोषण वो देश की अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के साथ करे, तो किसी भी सूरत में देश उनको माफ़ नहीं करेगा। देश के प्रधानमंत्री या गृह मंत्री को किस तरह लेटर लिखेंगे या फिर आगे की जो जांच है उसकी किस तरह से मांग करते हैं? देखिए, देश के प्रधानमंत्री को हम लिखेंगे, राज्यसभा के अंदर भी मुद्दा उठाएंगे और ज़रूरत पड़ी तो प्रदर्शन करेंगे। जिनका साफ तौर पर यही कहना है कि ज़रूरत पड़ी तो इस पूरे मामले के अंदर तो प्रदर्शन भी होगा। दिल्ली से AP News के लिए वाजिद अली की रिपोर्ट।